रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने 5 चैप्टर चल रहा है, 5.5 तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने कहा कि साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे चैप्टर 3 की, तो साथ साथ चैप्टर 3 ईजी चैप्टर है, साथ साथ मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, तो इनशाला चैप्टर 5 भी साथ चलता रहेगा, क्योंकि वो तो अभी लॉन्ग है, 5.9 तक है, तो चैप्टर 3 भी साथ लेकर चल रही हूँ। और इसके अलावा क्लास 10 की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूँगी 2-3 दिन तक वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। तो वीडियो बनाने में थोड़ा काफ़ी जो है टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मेरी पूरी कोशिश है रमज़ान के अंदर अंदर मैं आप लोगों का क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह 10 का भी साथ साथ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लेके चलूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, और चैनल को जो नए बच्चे हैं ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारी नई आने वाली वीडियोस आप तक मिल सकें। आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 3 आपका लॉगरिथम के बेस पर है चैप्टर, ठीक है, और उसके जो है अपने लॉज होते हैं। तो मैं डायरेक्ट लॉज में कुछ ऐसी खास बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा दूंगी कि ये कौन सा लॉ है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई करना है, आपने आपको गिवन है इसका पार्ट 1 या क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं कह देती हूँ इसका 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई, डॉट का साइन है जिसका मतलब होता है 2 की पावर, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर 5 एंड डॉट 2 की पावर 3, तो इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जहाँ पे भी आप डॉट देखें दो चीज़ों के बीच में, तो इसका मतलब आप यही कंसिडर करें कि ये होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, सही है। अब आप याद रखें कि जब बेस सेम हो, ठीक है, अब ये बेस होती है, जब बेस सेम हो तो उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है, थीके? ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें जब आपकी बेस सेम है तो आपने रखना है कि उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये बुक के अंदर भी थोड़ा लॉन्ग मेथड के साथ समझाया गया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको लॉन्ग और जो है थोड़ा डिफिकल्ट वे बताऊं, ये मैं बहुत सिंपल वे आपको बताने जा रही हूँ। बस ये बात याद रखें, जब आपकी पावर सेम है, नीचे बेस सेम है, तो पावर्स को आप सिंपली ऐड कर दिया करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 है। अब मैंने क्या करना है, ये जो पावर्स दी हुई है उन दोनों को मैंने, ये जो सेम चीज़ है ये आप समझ लीजिए ये कॉमन आ गई, सिंगल, सिर्फ सेम चीज़ को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। 2 है दोनों की बेस में, तो ये कॉमन आ गया, और इन दोनों की पावर जो हो रही हैं वो आपस में, क्योंकि आप देखें 1 1 ज़ा 1 ही होता है, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने बेस को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना फिलहाल इस लॉ के अंदर, जो बेस है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये सेम होती है, इसलिए हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब जो इसकी पावर है ये है 5 और ये है 3, अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड करा देना है। 2 और 5 + 3 कितने हो गए जी, 8 हो गए, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो 2 की पावर 8 आई है ना, अब इसको जाकर यहां पर, इसका एक और मेथड भी है मैं आपको समझा देती हूँ, पहले ये समझ लें। देखिए 2 की पावर 8 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि आप 2 को 8 टाइम्स लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये देख लें, दोबारा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी उसकी पावर आई है उतनी दफ़ा आपने 2 को लिख लेना है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पर आई थिंक कि पावर में जो है वो 5 और 2 है, यहाँ पर ये 2 है, मुझे जो है देखने में, मैं इसी वजह से थोड़ी लेट वीडियो बना रही थी कि मेरी जो है आई साइड का इशू है, वो मुझे चेक कराकर और ये कंफर्म करना। ये देखिए 7, ये 2 5 + 2 ये 7 हो रहे हैं, तो 7 2s आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब आपने 7 2 को आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई, ये मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुकी थी किस तरह से आपने करना है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 and 64 2 ज़ा हो जाता है 128, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 128, ठीक। अब मैं इसको आपको एक और मेथड के साथ इसी क्वेश्चन को करवा रही हूँ, जो आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा बकाया। अब ये देखें, यही क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर 5 है और 2 की पावर यहाँ 2 है, ठीक।
अब इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, सॉल्यूशन के बाद वही क्वेश्चन लिखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, बेस को कॉमन ले लिया और पावर्स को ऐड करा दिया। यहाँ पर अगर हम बेस को फॉर एग्जांपल कॉमन नहीं लें, ठीक है, और हम दोबारा से इसको ऐड करा दें डायरेक्टली यहाँ पर टू, क्योंकि डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 की पावर 5, इसको पहले 5 दफा खोल लें, 1 2 3 4 5 खोल लिया, ठीक है, 5 दफा 2 को खोल लिया। अब ये डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 2 की कितनी पावर है 2, तो यानी कि 2 को 2 बार ओपन करना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ये आ गया 32, और बीच में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, अदर 32 को 4 से ज़रा मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आपका 128 ही आना है, ठीक है। दोनों मेथड हैं आपके पास, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर आपके सेम आएंगे, ये मैंने समझा दिए। अब मैं चलूंगी इस मेथड के साथ, ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी, मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए, आप जिसके साथ चलना चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो दोनों आपके मेथड से इंशाल्लाह आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बिल्कुल यही मेथड है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए नहीं छोड़ूंगी, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंशाल्लाह करवा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर 5। अब देखें वही चीज है, बेस सेम है और ऊपर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमने क्या करना है, बेस को मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बेस को सिंगल ले लें, कॉमन ले लें, और इन पे जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड करा दें, 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक। तो अब ऐड कर लें, 3 की पावर क्या बनेगी, 5 4 9 9, और 3 कितने हो गए, 12, 3 की पावर बन गई 12। तो अब आप क्या करेंगे, 3 को 12 टाइम ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 times 3 हो गया। अब आप जब 12 times 3 को आपस में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे कैलकुलेटर के साथ, 3 3 ज़ा 9 3 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा सो ऑन करते करते कैलकुलेटर से आप करें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 53,144, ठीक है। तो आंसर में कहीं आपको गड़बड़ लगे तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्स की पावर। अब यहाँ एक्स आ गई है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के मेथड पे, बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 7 है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही एक्स बेस तो हमारी सेम ही है, तो एक्स को हमने कॉमन रख लिया और 5 प्लस 7, ठीक है, 5 प्लस 7 कितना हो गया, इक्वल का साइन, तो ये हो गया आपका जी 12, x की पावर हो गई 12, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि हम x को तो मजीद इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम दोबारा से x को 12 टाइम लिखेंगे तब भी फायदा कोई नहीं है, वापस आंसर x की पावर 12 ही आना है, तो बस ये इतना सही क्वेश्चन होगा, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपॉन की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको फिर भी कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ आपने पावर्स को देखना है या क्वेश्चन को नीचे से, फिलहाल नहीं टेंशन लेनी कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1/2 और इसकी पावर है 2, फिर डॉट 1/2 और इसकी पावर है 3, फिर डॉट 1/2 और इसकी पावर है 4। अब आप देखें पावर्स बिल्कुल बेस बिल्कुल सेम है, तो कॉमन ले लें 1/2 और ये 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक। अब ये कितना आ गया 4। अब यहाँ पर 2, 3 और 5 और 4 कितने हो गए 9, तो इसकी पावर आ गई सारे की 9, ठीक है। अब देखिए जो पावर होती है ना, ये सबके लिए होती है, जहां तक ब्रैकेट चल रही होती है ना, वहां तक पावर सबके लिए अलग अलग यूज हो रही होती है। अब 1 के ऊपर भी 9 है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, खोल के बल्कि लिखना चाहिए 1 की पावर 9 और 2 की पावर 9, जो क्योंकि पावर होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है, ये ना आप समझे कि पावर जो है सिर्फ मतलब ऊपर वाले के लिए या नीचे वाले के लिए नहीं, जहां तक ब्रैकेट है वहां तक पावर सबके लिए है, तो पावर को अलग अलग से लिख लें ताकि आप अलग अलग से इसको सॉल्व कर लें। अब यहां पर देखें, मैं यहां पर अगला क्वेश्चन बाकी कर रही हूं, 1 को आप 9 टाइम अगर लिखेंगे तो क्या आपका आ जाना है, 9 ही आ जाना है, 1 2 3 4 5
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब अगर हम टू को लिखें नाइन टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो अब देखिए वन को तो जितनी दफा भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा। अब टू को नाइन टाइम करें, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू एंड सो ऑन, जब करते जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें, यहाँ पर बी की पावर कुछ भी नहीं है, सी की पावर है आपके पास फोर एंड डॉट बी की पावर टू और सी की पावर यहाँ पर है क्यूब। अब देखें यहाँ पर आपको दो चीजें हैं, बी सी, ठीक है, फिर भी मसला नहीं है। आपने बी को बी के साथ करना है और सी को सी के साथ करना है। अब यहाँ पर देखें बी, बी को पहले हमने बी के साथ जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर बी समझ लो इसके ऊपर पावर नहीं है, तो बी की कितनी पावर है, वन, ओनली वन पावर है। तो हम समझ लेंगे इसको जब पावर नहीं दी होती तो इसका मतलब होता है वन होता है, ठीक है, इसकी वन और इसकी टू, ठीक, ये हो गया बी। अब हम इसी तरह सी को लिख लेते हैं, सी की फोर और इस वाले सी की कितनी है थ्री। अब इन सबको ऐड कर ले, बी की कितनी हो गई टू प्लस वन थ्री और सी की कितनी हो गई फोर प्लस थ्री सेवन, ठीक है। अब देखिए मजीद ये वाले जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं इनको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते होते, तो यही इनका आंसर आ जाता है, यहीं पे बस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ही, कोई भी ज्यादा इसमें वो नहीं है, तो मैं ये भी रेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क भी छोड़ दूं तब भी चलेगा, बहुत ईजी है। एक्स की पावर टू, एक्स की पावर फिर सिक्स एंड एक्स की पावर एट, ठीक। तो चलें एक्स की पावर टू, सबको एक्स कॉमन है, सिक्स और एट, और देख लें जी एक्स की पावर, एक्स का क्या आ गया, सिक्सटीन आ गया, यही इसका आंसर है, खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में क्या है, अब यहाँ पर पावर दूसरा लॉ यूज हो रहा है जो आप बुक में देख सकते हैं इजीली, पावर्स ऑफ पावर, ठीक है, पावर्स ऑफ पावर का लॉ है। तो इसमें आप देखेंगे यानी कि पावर को पावर के साथ किस तरह से सॉल्व किया जाता है। टू, यहाँ पर दो पावर्स गिवन है, टू की पावर टू और एक और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है थ्री, ये लॉ सेकेंड लॉ दिया गया आपका बुक के अंदर जो पावर्स ऑफ पावर लॉ है। तो इसको किस तरह से किया जाता है, पहले तो आपके पास सिंगल पावर थी, कोई ब्रैकेट वगैरह के ऊपर पावर नहीं थी, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर थी भी तो अंदर उसके पावर नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक पावर अंदर है नंबर के ऊपर और एक पावर है बाहर ब्रैकेट के ऊपर। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन को और से देख लो कि यहाँ पर देखो टू, सही, टू की पावर टू और ये क्यूब। अब हमने क्या करना होता है, जो दो पावर्स होती है ना इनको आपस में हमने करा देना होता है मल्टीप्लाई। जब ये नंबर्स होते हैं ना, जब बेस मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जब बेस सिंगल ही है और उसकी पावर्स दो हैं तो उन दोनों पावर्स को हमने ऐड नहीं कराना, बल्कि आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। ये देखें टू, ये वाली इसकी पावर ये, और ये हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बाहर वाली पावर जो है इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो टू, अब यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ आगे, टू, अब इसको करें, इन पावर्स को मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या हो जाएगा, टू की पावर बन जाएगी सिक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, टू की पावर जब सिक्स आ गई तो अब इसको मजीद हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब टू को सिक्स टाइम ओपन कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक। इसी तरह ये बाकी भी सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, ए की पावर फोर और थ्री, ए की पावर है फोर और फिर ब्रैकेट के बाहर है थ्री। तो इसको हम क्या करेंगे, ए की पावर फोर और बाहर वाली पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी ए की पावर फोर थ्री जा ट्वेल्व, यही इसका आंसर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, तो मैं आपको ये आगे इरेज करके करा देती हूँ। अब इसमें माइनस का साइन है तो कोई मसला नहीं है, माइनस का साइन भी जगह पे बरकरार रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन,
तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स दो हैं तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ब्रैकेट दो हो तो हमने सिर्फ पावर को फोकस करना है, यहाँ पे पावर्स ऑफ पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ पावर को फोकस करना है। नंबर इसकी पावर है टू, स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर इसकी टू पावर है और जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर है फोर, तो कोई इशू नहीं है ब्रैकेट दो हो तीन हो, आपने सिर्फ पावर पे फोकस करना है क्योंकि हम सेकेंड लॉ ऑफ पावर कर रहे हैं, पावर्स ऑफ पावर कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस थ्री, सिंपल हमने ब्रैकेट खोल ली, बाहर वाली फिलहाल ब्रैकेट खोली है, तो टू मल्टीप्लाई बाय फोर, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट के अंदर ही रहना, इसको हमने मजीद सॉल्व नहीं करना थ्री को, क्योंकि बुक में आपका आंसर यहीं पे है, फोर टू जा क्या आ गया एट। अब आपने ये नहीं करना कि थ्री को मल्टीप्लाई बाय थ्री, कर भी देंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा आपका आंसर रॉन्ग आएगा या रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये पावर्स ऑफ पावर का जो रूल है सिर्फ हमने पावर्स को ही देखना है, हमने अंदर मजीद इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करना, ठीक है। पावर्स ऑफ पावर का जो रूल है उसको यहीं तक आपने करना है और यही आपका आंसर आ जाना है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2/7 और इसकी स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर है 2 और बिग ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है 9। अब पावर्स को करा दें सिंपली मल्टीप्लाई, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट अगर यहाँ खत्म कर दूं, समझ लिया आप ये सोल्यूशन के बाद का है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई, -2/7 और अच्छा 2 जो माइनस है ना वो माइनस जो है 2 के साथ है, सबके साथ नहीं है। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो इसका मतलब है ऊपर नीचे दोनों के साथ है, अगर सिर्फ -2 के साथ है तो फिर यहाँ तक। अब ये देखें ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ये आपके आपका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे नजर नहीं आएगा, तो -2/7 तो इसका क्या आ गया 9 2 18, यही इसका आंसर है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है, अब दो नंबर्स हैं 2 × 3, इसको भी एक दफा और से देख लें, ठीक है, कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर। अब पावर तो एक है, यहाँ पावर्स दो थी, नंबर एक था, यहाँ पर नंबर्स दो हैं लेकिन पावर एक है। अब याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने भी नंबर्स हो, ठीक है, और बाहर ब्रैकेट बंद हो, क्लोज हो, और एक ही पावर गिवन हो, तो वो पावर हर एक की कंसिडर की जाती है, हर एक नंबर पे जब उसको खोलते हैं ना ब्रैकेट को, तो वो पावर ये नहीं, पहले आपने ये नहीं करना, अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को 2 3 6 करके और पावर नहीं खोलनी, ये मेथड रॉन्ग है, इस तरह से नहीं किया जाता। जब अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई या प्लस कुछ भी हो रही होती हैं तो उनको इस तरह से खोला जाता है, यानी कि 2, अब ये पावर 2 के 3 के साथ लगेगी, फिर बल्ले मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फिर दूसरा नंबर और ये पावर उसकी अलग आप लिखेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये इस तरह से सॉल्व होता है, ये नहीं कि आप अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर पावर को खोलते रहें, नहीं, बल्कि हर नंबर जितने भी नंबर गिवन है उनको अलग अलग से उनके साथ पहले पावर्स लिखनी है और फिर उनको उस पावर के साथ खोलना है। अब देखें 2 है तो 2 को हमने कितनी बार खोलना है, 3 टाइम, क्योंकि आप ब्रैकेट भी लिख के कर सकते हैं ताकि आपके मिक्सअप ना हो। तो आप दूसरा क्या है 3, तो 3 को ना भी ब्रैकेट लगाएं तब भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आपने करना सबको मल्टीप्लाई ही है, तो 3 को 3 टाइम। अब यहाँ पर करें 2 2 4, 4 2 8 और मल्टीपल 3 3 9, 9 3 27, तो अब 8 × 27 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 216। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ बस थोड़ा सा एक दफ़ा फोकस कर लें कि मेथड इसका क्या है, तो बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। मैं सारे ही करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा 12 है, तो 12 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1/3 × 1/5 और इसकी पावर है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पावर है। अब यहाँ पर वही बात है, दो नंबर्स गिवन है लेकिन पावर जो है वो एक है और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल उसी मेथड से जो अलग अलग हमने खोल लेना है नंबर्स को, 2 और मल्टीप्लाई 1/5, इसकी भी पावर 2। तो अब देखें, अब इसको खोल लें आप आराम से खोल लें, देखें 1 × 1, ठीक है,
और थ्री मल्टीप्लाई, यानी कि अब ये वाली पावर भी ऊपर वाले नंबर के लिए भी है और नीचे वाले नंबर के लिए भी है, ठीक। यानी कि ऊपर वाला नंबर भी उतनी दफा ही खुलेगा और नीचे वाला नंबर भी उतनी बार ही खुलेगा जितनी उसकी पावर है। अगर मैं आपको इसको यूं लिख के दिखा दूं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाले में दिखाया है, देखें ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वन की पावर टू और फिर थ्री की पावर टू, तो बात तो वही हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको समझा रही हूँ, लंबा ना करना है, नहीं करना है इस क्वेश्चन को, बस सिंपली कर देना है, वन मल्टीप्लाई बाय वन कर दे और थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दे, ये नहीं करें, डायरेक्ट बिल्कुल कर दे तब भी आपका सही होगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन और फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये दो दो बार दोनों चीजें खुल गई, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, वन वन जा वन, थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ही रखें अभी, वन वन जा वन और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, हो गया। अब आप ये देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाता है, वन वन जा वन और नाइन को ट्वेंटी फाइव से जब हम करेंगे तो ये आ जाना है अपॉन में टू टू फाइव, ठीक है। नाइन को आप जब फाइव से करेंगे, नाइन फाइव ट्वेंटी फाइव जा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव, और यही आंसर है, ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप, ये अपॉन वाला मेथड भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत जल्दी एक्सरसाइज हमारी हो गई, इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी। ये मल्टीप्लाई का साइन है और माइनस फोर ब्रैकेट के अंदर है, अब यहां पर देखें ब्रैकेट्स भी दो हो रही है और पावर एक ही है, पावर एक ही है, तो हमने पावर्स के रूल से सॉल्व करना है, वही मेथड है, थ्री को ये पावर थ्री को भी जाएगी और फोर को भी जाएगी, चाहे स्क्वेयर ब्रैकेट के ऊपर है चाहे, अगर ये पावर यहां पर होती ना सिर्फ, तो ये सिर्फ इसी को जाती जो इसके अंदर था, ठीक है। अब ये पावर लेकिन स्क्वेयर ब्रैकेट के ऊपर है, अब स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबको ये पावर जानी है, ठीक। तो अब यहां पर देखें थ्री की पावर टू आ गई मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं माइनस फोर के ऊपर ये पावर टू रखूं, ठीक, तो अब क्या होता है। अब एक एक और यहां पर मैं आपको छोटी सी बात याद बता दूं कि ये बात याद रखिए कि जब आपकी पावर इवन हो, ठीक है, यानी कि टू फोर सिक्स एट इवन, यानी कि टू के टेबल वाली हो, तो उसके अंदर अगर माइनस हो तो वो माइनस हमेशा खत्म हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। बताऊं कैसे, यहां पर ये एग्जाम्पल में मैं समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस फोर है, माइनस फोर को मैंने दो बार खोलना है, इसकी पावर टू है तो दो बार खोलना है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो हम लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये फोर फोर जा सिक्सटीन आ जाएगा, प्लस सिक्सटीन, तो ये बात बस सिंपली याद रख लें कि जब आपकी पावर में जो है वो इवन पावर हो और अंदर माइनस हो तो वो आपका प्लस में बदल जाएगा, हाँ। लेकिन अगर आपकी पावर ऑड हो, यानी कि अगर माइनस फोर की पावर थ्री होती तो क्या होता, मैं एक और यहाँ माइनस फोर लिखती तो आप देखें माइनस माइनस प्लस, और प्लस आ गया, फिर प्लस को दोबारा मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती, प्लस माइनस दोबारा क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो बस ये छोटी सी बात अपने माइंड में रख लें कि सिर्फ जो है माइनस में, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो और ऊपर पावर इवन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर पावर ऑड हो और अंदर माइनस हो तो वो माइनस ही रहेगा, वो प्लस में चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अब थ्री थ्री जा नाइन, मैं डायरेक्ट कर दूं लेकिन चले यहां कर देती हूँ। अब ये माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय फिर माइनस फोर, अभी भी इनको ब्रैकेट्स में लिखे ताकि स्क्वायर खत्म हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, और वही रूल जो मैंने बता दिया, माइनस माइनस प्लस, और फोर फोर हो गया 16, तो 9 को 16 से करें तो ये आपका आंसर आ जाता है 144। आई होप यही आंसर ठीक होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। मैंने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी, कोई एक क्वेश्चन भी इसमें स्किप नहीं किया, तो इसलिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ ए स्क्वायर और बी क्यूब और इसकी पावर, अब यहाँ पर देखें दो चीजें हैं, दो नंबर्स भी हैं अंदर और उनके ऊपर भी पावर है और एक पावर जो है वो बाहर भी है, तो आपको पावर ऑफ पावर का रूल याद रखना है, ठीक है, कि बाहर की पावर हो और अंदर भी पावर हो तो उनको आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं सिंपली। तो हमने क्या कराना है, ए
अब ये ए की पावर अपनी क्या है, टू, और बाहर हम खोल रहे हैं ब्रैकेट को, ठीक है, ए की बाहर अंदर वाली पावर है टू और बाहर वाली पावर है क्या, फोर। तो ये पता है आपको, जब दो पावर्स हो तो वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब ये अंदर, ये नीचे वाला नंबर आपस में ये डॉट है, ठीक है। तो अब बी की अपनी पावर क्या है, थ्री, और ब्रैकेट की पावर क्या है, फोर। तो अब सिंपली ए की पावर क्या हो गई, फोर टू जा एट, और बी की पावर क्या हो गई, फोर थ्री जा ट्वेल्व। तो यही आपका आंसर है, इसको मजीद हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी होगी और बिल्कुल क्लियर होंगे होंगे कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके पास जो है 6.3.2 की भी आएगी जल्द, और इंशाल्लाह साथ साथ 5.6 की भी आएगी, या हम साथ 5.9 की रिक्वेस्ट थी वो कर लेंगे पहले। तो इंशाल्लाह मैं अब 10 का भी स्टार्ट करवा दूंगी जल्द, देखते रहिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, और इससे पहले एक और बात भी कहूँ कि जिन बच्चों को इस तरह की वीडियोस की नीड है, ज़रूर ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपको इशू हो किसी भी हवाले से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।